संभल के बेजोई में भाजपा प्रत्याशी का विरोध आया खुलकर सड़क पर। भाजपा की बूथ कमेटी और नगर कमेटी पदाधिकारियों ने दिए अपने पद से इस्तीफे। पूरी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी का जमकर हो रहा विरोध। पदाधिकारी चाह रहे प्रत्याशी परिवर्तन। भाजपा ने चंदौसी विधानसभा से वर्तमान राज्य मंत्री गुलाब देवी को बनाया है प्रत्याशी। सभी मंडल अध्यक्षों की कमेटियां दे रही इस्तीफा। पूरा मामला विधानसभा 31 चंदौसी का बताया जा रहा है। ये नगर के पदाधिकारी जितने लोग आए हैं, ये क्या मामला है और कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? भैया पार्टी की टिकट के बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है और बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, मोर्चा के संयोजक, वो सब लोग इस्तीफा मेरे पास लेके आए, मैं जिलाधिकारी को दे दूंगा। अच्छा, आपने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया इनका इस्तीफा? नहीं, अभी नहीं, पर जिलाधिकारी करेंगे, मेरा कोई अधिकार नहीं। आप क्या है इसमें पार्टी में? नगर अध्यक्ष। नगर अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। अच्छा, आपके जो कार्यकर्ता है वो क्या चाह रहे थे और क्या हो गया पार्टी से? टिकट का बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन पार्टी ने किसको टिकट दिया है? वो गुलाब देवी को दिया। अच्छा, पुराने लोगों के लिए कब से टिकट इनको भी दिया जा रहा है पार्टी द्वारा? 91 से, 90-91 से। तो आपके जो कमेटी के जो लोग हैं वो बदलाव चाह रहे थे? बदलाव। मेरा नाम सुखबीर पाल। कौन सा पद? मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मंडल नरौली, चंदौसी विधानसभा। जैसे कि आप इसमें पदों की इस्तीफे की बात आ रही है, क्या मामला है? पदों के इस्तीफों की इसलिए बात आ रही है, सन 2017 में भी पार्टी ने हमारे मने करने के, उस समय में जिला का महामंत्री था पिछड़ा मोर्चा का, हमने खुद विरोध किया था, फिर भी पार्टी ने इनको जो है टिकट कर दिया था। इस कारण पार्टी की उस समय लहर थी और लहर के कारण पार्टी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन इस समय इनका इतना विरोध है, इनसे ही नहीं, इनके पति, इनके कुछ लगे हुए लोग हैं जो माफिया, भ्रष्टाचार, ज़मीनों पर कब्जा, जबरन कब्जा करते हैं लोगों की, उनसे लोग त्रस्त आकर इनके विरोध में आए हैं। और जो राशन की दुकानें हैं, जो झगड़े की ज़मीनें हैं, उन्हें कम पैसों में बैनामे कराकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। इस कारण सभी कार्यकर्ता नाराज हैं, कार्यकर्ताओं की एक भी बात नहीं सुनती। अगर मोटरसाइकिल भी चौराहे पर पुलिस वाले रोक लेते हैं तो वो 200 रुपए में छुड़ाने का अपनी तरीका से छुड़ा सकता है, लेकिन वो एक फ़ोन कराता है तो वही मोटरसाइकिल 2000 रुपए में छूटती है। तो कितने कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया? इस समय तक मेरे मंडल से ही लगभग 90 के लगभग इस्तीफा सभी पदाधिकारियों के आ चुके हैं, जिसमें बूथ अध्यक्ष, मंडल की टीम के पदाधिकारी, मोर्चों की टीम के पदाधिकारी, यहाँ तक कि हमारी पार्टी में पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं। 21 लोगों की बूथ की समिति बनी हुई है और 18 से 20-21 तक पन्ना प्रमुख एक बूथ पर बने हुए हैं। तो वो सभी लोग त्रस्त आ करके अपने पद से सभी त्यागपत्र दे रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ चंदौसी विधानसभा पर परिवर्तन हो, एक अच्छे प्रत्याशी को मौका मिले, युवा हो जो सब आम कार्यकर्ता की सुन सके, ऐसे प्रत्याशी का हम चुनाव चाहते हैं। कि ऐसे प्रत्याशी का अगर यहाँ पुनः टिकट हो तो हम सभी कार्यकर्ता पूरी एक साथ एक आवाज़ में उसको बहुत अच्छे मार्जिन से जलाने का काम करेंगे। कन्हैया लाल। यहाँ पर कौन से पद पर? मैं इस समय नगरपालिका में नामी सभासद हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इस समय शक्ति में केंद्र प्रभारी हूँ, शक्ति नंबर 3 में, और पूर्व में मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ नगर महजोई का 2 बार। जैसे कि आप यहाँ पर पदों से इस्तीफे की बात आ रही है, क्या मामला है? मामला ये है, गुलाबो देवी ने 1 साल हो गया और हमको जो है उनके पास 15 से 20 बार गए और उन्होंने सरकारी संपत्ति पे भू माफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना हमारा कोई सहयोग किया। हम जब भी गए तब हमें लॉलीपॉप दे देती हैं कि हाँ मैं इसको देखूंगी। उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी, जबकि हम शासन प्रशासन भू माफिया के खिलाफ था, कार्रवाई योगी जी कर रहे थे, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करने दी। कितने कार्यकर्ता हैं यहाँ से? लगभग 60-70 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, नगर के 60-70 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, और ये संख्या 100 से 125 तक हो सकती है।